नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ अलॉयिंग एलिमेंट इन स्टील, यानी कि दोस्तों स्टील में किस एलिमेंट को मिलाने से उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसका ग्रेड क्या बनता है। जैसे दोस्तों हम कास्टिंग के दौरान टोंडिस में मैग्नीज, सिलिकन या एलुमिनियम सल्फर जैसे एलिमेंट को डालते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे स्टील में क्या चेंजिंग आती है। तो जैसे कि दोस्तों सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन, वेनेडियम, टंगस्टन, निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट, फास्फोरस, मोलिब्डेनम एसेट्रा, इन एलिमेंट्स को स्टील में मिक्स करने पर क्या चेंजिंग हो सकती है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ एलॉय, क्या होता है। तो ए मेटल दैट इज़ मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर मेटल्स और ए मेटल्स एंड अनदर सब्सटेंस, यानी कि कोई भी ऐसा मेटल जो बनता है दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिक्स करने पर या फिर किसी अनदर सब्सटेंस को मिक्स करने पर उसे कहा जाता है एलॉय, और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एलॉयिंग। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं ब्रास, इन एलॉय कॉपर एंड जिंक, यानी कि ये जो आपका ब्रास होता है वो मिक्सिंग है कॉपर और जिंक का। अब बात करते हैं एलॉयिंग एलिमेंट की, तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर है सल्फ़र। दोस्तों सल्फ़र को अगर स्टील में मिक्स करते हैं तो इसके मिक्स करने से जो इसकी मशीनबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट नंबर पे मैग्नीज। दोस्तों अगर हम मैग्नीज को स्टील में मिक्स करते हैं तो ये उस स्टील की हार्डनेस को बढ़ा देता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है सिलिकॉन। दोस्तों अगर हम सिलिकॉन को स्टील में मिक्स करते हैं तो स्टील की जो मैग्नेटिंग परमाबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और रेजिस्टेंस जो टू हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन, यानी कि हाई टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन या ऑक्साइड नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर है वेनेडियम। दोस्तों अगर हम वेनेडियम को स्टील में ऐड करते हैं यानी कि मिक्स करते हैं तो स्टील की जो हार्डनेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट लेवल पर है दोस्तों टंगस्टन। अगर हम टंगस्टन को स्टील में ऐड कर देते हैं तो स्टील की जो हीट रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी आपका स्टील जो होता है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर है दोस्तों निकिल। दोस्तों अगर निकिल को स्टील में ऐड करते हैं तो स्टील की जो हार्डनेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर है दोस्तों क्रोमियम। अगर दोस्तों हम क्रोमियम को स्टील में ऐड कर देते हैं तो जो हमारा स्टील होता है वो क्रोजन फ्री हो जाता है, यानी कि क्रोजन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है उसका। क्रोमियम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसको जिस स्टील में मिक्स कर देते हैं उसमें क्रोजन नहीं लगता है और साथ में उसकी हार्डनेस को भी ये बढ़ा देता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे है दोस्तों कोबाल्ट। अगर हम कोबाल्ट को स्टील में ऐड कर देते हैं तो कंट्रीब्यूट टू रेड हार्डनेस बाय हार्डनिंग फेराइट, यानी कि आपका जो मेटल है वो हीट कर रहे हैं उसको, तो उस कंडीशन में रेड हार्डनेस उसकी जो होती है वो बढ़ जाती है और ये फेराइट को हाइड कर देता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो इफेक्ट ऑफ अलॉयिंग एलिमेंट इन स्टील के बारे में। ये एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।